मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को शिमला में स्वच्छ भारत पर्व का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर से स्वच्छता जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्राम स्वराज अभियान के तहत बुधवार को प्रदेश भर में स्वच्छ भारत पर्व के तहत ग्राम स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के गांवों-गांवों में सफाई अभियानों का आयोजन किया जाएगा व लोगों को ठोस एवं तरल वेस्ट प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता का एक बड़ा आंदोलन छेड़ा है। उन्होंने सभी नागरिकों से इसमें योगदान देने की अपील की। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में स्वच्छ अभियान की शुरुआत हुआ है और उस दृष्टि से मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छता के इस विषय को अभियान के रूप में जब से उनने केंद्र में सरकार संभाली उसके पश्चात की और ये अभियान उन्हें इतना तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया, प्रयास किया और आज ये आंदोलन के रूप में हमारे सामने पूरे देश भर में इनको देख रहे हैं और देश में इन्हें पूरी दुनिया में इस स्वच्छता अभियान की जो कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के माध्यम से शुरू किए गए उसकी तारीफ है और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में इस चीज की आवश्यकता भी है। हर नागरिक इस जिम्मेवारी को समझे कि स्वच्छता जो है वो सरकार का विषय नहीं है, स्वच्छता सिर्फ समाज का विषय नहीं है, ये मेरा भी विषय है। इस दृष्टि से अपने आप को स्वच्छता के अभियान में वो जोड़े और इस अभियान के सफलता की दृष्टि से हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश को विशेष तौर से स्वच्छता के कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हमको लगभग 20 करोड़ रुपए का जो है हिमाचल प्रदेश को इनाम दिया है प्रोत्साहन करने के लिए कि आपने बेहतर काम किया है, इस काम को जारी रखिए और तेज गति से आगे करिए। तो इस बात की हमको खुशी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की जनता से भी मैं निवेदन करता हूँ स्वच्छता के अभियान को अपना अभियान माने, अपने आप से शुरू करें और 14 तारीख से 5 मई तक जो है हमारे पूरे देश भर में ग्राम स्वराज एक अभियान जो है वो चल रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश भर में पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन के साथ खुशहाल की रिपोर्ट।